हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर, ये है एसिड्स एंड बेसिस। ये वाला चैप्टर मैं लास्ट वाले एग्जाम के लिए, जो अपना सीएसआई नेट वाला एग्जाम था जून वाला, मैं तब भी सोच रही थी कि मैं कराऊंगी, बट उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और बार, इससे क्वेश्चन ना गेट में इतना ज्यादा नहीं आता है, मतलब कभी कभी पूछते हैं बट हर साल क्वेश्चन आए, ऐसा टॉपिक गेट के लिए नहीं है ये। बट हाँ, सीएसआई नेट में आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जनरली इससे 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही है। इस बार नहीं आया बट आता है जनरली। तो आप क्या कर सकते हो, जितना ज्यादा पढ़ने की आपको नीड नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। जैसे मैं देख रही थी स्टार्टिंग में, जब मैंने बुक्स रिकमेंड करी थी आपको, तो आप बोल रहे थे कि मैम बुक्स में ना बहुत ही ज्यादा दिया हुआ है। वैसे तो सारी बुक्स में अवेलेबल है चैप्टर, लेकिन फिर भी बुक्स में बहुत ज्यादा दिया हुआ है, समझ नहीं आता कितना पढ़ना है। इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, उसमें शॉर्ट चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, 4-5 वीडियो में मैक्सिमम कवर हो जाएगा। 4-5 में ज्यादा बोल रही हूँ मैं, 3-4 वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ। तो जो हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी है एसिड्स एंड बेसिस, वो कौन सी होती है? अरहेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड, ल्यूस एसिड और उसके बाद ल्यूस बेसिस, इस तरह के हमने पढ़े हुए हैं। तो हमें इस वाले वीडियो में यही सब पढ़ना है, लेकिन थोड़ा हाई लेवल का, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं आती है, थोड़ा सा हाई लेवल का मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो कि मेजर पोर्शन है अपने नेट के सिलेबस का और गेट का। तो अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरहेनियस एसिड से। अरहेनियस एसिड्स एंड बेसिस, तो ये तो हमने अपनी जूनियर क्लास में पढ़ा भी है, क्या होते हैं अरहेनियस एसिड्स और बेसिस। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, इसमें जो भी हम कर रहे हैं, जिस भी एसिड की या बेस की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है उसके लिए सॉल्वेंट हमेशा ही वाटर होगा। तो ये हमेशा ही जो भी हम पढ़ते हैं, ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन की बात होती है, मतलब जो सॉल्वेंट है वो हमेशा ही वाटर ही रहेगा। तो ये एक्वस सिस्टम ऐसे है। अब कोई भी आप इसमें सब्सटेंस ऐड कर लो, मतलब पानी है आपके पास, उसमें आपको कुछ ऐड करना है, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी लेट्स से कोई भी सॉल्यूशन आपने ऐड कर दिया उसके अंदर, तो वो किस तरह से एक्ट करेगा उसके हिसाब से उसको बताया हुआ है। तो अरहेनियस का कंसेप्ट इतना था कि ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर में H+ रिलीज कर दे, सपोज करिए HCl है हमारे पास, हमने HCl को वाटर में डाला, तो क्या हुआ, जैसे ही हमने HCl को वाटर में एड कर दिया तो क्या होगा, H+ लीव हो जाएगा, मतलब HCl प्लस वाटर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें H3O+ प्लस Cl- यही मिलेगा। अभी कैसे आया है, यहाँ से H+ निकल गया है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि यहाँ से क्या आया एक्चुअल में H+ Cl- और साथ में क्या है, वाटर। अब वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर्स है ऑलरेडी, तो क्या कर सकता है यहाँ पे, ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए बन जाता है ये क्या, H3O+ Cl-। तो इस तरह से जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मोलिक्यूल्स जिनको हम जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे वो H+ दे देंगे, उनको हम बोलेंगे अरहेनियस एसिड्स, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, अभी मुझे ऐसे पढ़ाते टाइम याद आया है कि जो आपने HCl का सॉल्यूशन देखा होगा लैब्स में, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ना बहुत ही कम परसेंटेज लिखी होती है, 36% या फिर शायद इस तरह, एग्जैक्ट परसेंटेज मैं भी भूल गई हूँ, बट मुझे ऐसा ही माइंड में आता है, बता रही हूँ मैं। तो ना एक क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल का या फिर इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि जो HCl की बोतल होती है उस पर 100% HCl क्यों नहीं लिखा होता। आप देखोगे जो कंसेंट्रेटेड HCl भी है उस पर भी आप देखोगे 100% HCl वो नहीं होती है, कम होती है। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये है कि जो HCl है वो गैस है। ये बात हम ये एसिड बेस पढ़ते टाइम भूल जाते हैं, बट आपको ध्यान रखनी है कि जो HCl है वो गैस है, और अगर गैस है उसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वॉटर में डिजोल्व करवा रहे हैं, तो इतनी ज्यादा वो सोल्यूबल नहीं होती है वॉटर में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। अगर इसको हम देखें केमिकल बॉन्डिंग से, ये क्या है, केमिकल कोवेलेंट कंपाउंड। तो जब आप कोवेलेंट कंपाउंड को वॉटर में ऐड करते हो तो सोल्यूबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो HCl क्योंकि ज्यादा सोल्यूबल नहीं होती है वॉटर में, तो इतनी ज्यादा सोल्यूबल ना होने की वजह से कभी भी वो 100% HCl नहीं लिखा होता है, वहां पे वॉटर की परसेंटेज हमेशा ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से बस मुझे माइंड में आया इसलिए मैंने बता दिया। तो जो अरहेनियस एसिड्स होती है वो क्या होती है, ऐसे मोलिक्यूल्स, ऐसे सब्सटेंस जिसको हम जैसे ही वॉटर में ऐड करेंगे वो H+ दे देंगे, उनको हम बोलेंगे अरहेनियस एसिड्स। अब देखो, आप ये बोल सकते हो कि मैं अभी तो बहुत ही बेसिक है, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो।
तो ये इसलिए पढ़ा रही हूँ, सिर्फ एक बार रिमाइंड हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है मतलब वापस आपको एक बार से एक बार रिवाइज हो जाएगा ना, तो पेपर में कई बार क्या आता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं अगेनिस्ट एसिड है या फिर ब्रोंस्टेड एसिड है, तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है, उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया एसिड, और बेसिस क्या होते हैं, अरेनियस बेसिस वो होते हैं जिनको हम जैसे ही वाटर में डालेंगे, वाटर याद रखना है एक्वस सॉल्यूशन की बात होगी, जैसे ही हम वाटर में उसको ऐड करेंगे तो वो क्या देंगे, OH माइनस। तो जो वाटर में डालने से वाटर में डिजोल्व होने के बाद OH माइनस देंगे वो होंगे अरेनियस बेसिस, और जो H प्लस देंगे वो होंगे अरेनियस एसिड्स। एग्जाम्पल क्या है, NaOH, NaOH प्लस वॉटर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस वॉटर, ठीक है। तो यहां से हमें OH माइनस मिल गया, तो ये क्या है, बेस। एक और बात है, बहुत ही कम बुक्स में ऐसे लिखा होता है जो H प्लस देते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही ये H प्लस देंगे तो वॉटर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वॉटर के साथ ये कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H3O प्लस। तो कई बार ये बुक्स में लिखा भी होता है ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स, ऐसे वाले सब्सटेंस जिसको हम वॉटर में ऐड करते हैं तो वो H3O प्लस फॉर्म करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं अरेनियस एसिड्स। तो आप समझिए ना ये कैसे आया है, H प्लस प्लस वॉटर से मिल रहा है हमें H3O प्लस। तो ये तो हमारे पास हो गए अरेनियस एसिड्स एंड बेसिस। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे जाने से पहले मैं इसकी एप्लीकेशन आपको बता दी, जो कि मेजर पोर्शन है जहां से क्वेश्चन जनरली आ जाता है कभी कभी, तो आपको समझ में आ गया, और इसके एप्लीकेशन वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में फर्स्ट ये है कि जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अब ये कैसे हुए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है, अगर आप कंसीडर करो पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है, यहां पे अगर मैं पीरियोडिक टेबल रख लू, यहां पर ड्रॉ करूं, इस तरह की होती है, थोड़ा यहां पर ऐसे इस तरह की होती है। तो यहाँ पे क्या है, इधर वाला मेटल वाला पोर्शन होता है, बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो भी नॉन मेटल्स वाले ऑक्साइड्स हैं, अच्छा एक बार बताओ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, अभी तक बताना मुझे ये, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स अभी तक पीरियोडिक टेबल में कितने डिस्कवर हो चुके हैं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, और गूगल मत करना, ठीक है, जितना पता है वही लिखना, ये कर लेना। उसके बाद अभी देखते हैं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो इधर वाले पोर्शन के हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होंगे मतलब ऑक्सीजन का जो ये कंपाउंड बनाएंगे वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। अब एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कार्बन होता है, ये तो कार्बन ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे ही SO2, SO3, N2O5, या फिर P4O10। तो ये सारे क्या है, कार्बन सल्फर नाइट्रोजन फॉस्फोरस सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। अभी कैसे पता चलेगा, सपोज करिए आपने CO2 को डिजोल्व करवाया वाटर में, CO2 प्लस वाटर, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा H2CO3, यही मिलेगा इन दोनों कंबाइन करके, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। लेकिन अभी क्योंकि एसिड है तो ये क्या होगा, यहां से हमें क्या मिलेगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ये मिल सकता है, यहां से H प्लस मैंने लीव करवा दिया, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब ये भी हो सकता है, ये भी फर्दर अपना H प्लस दे दे, यहां पे क्या मिलेगा, CO3 2 माइनस, ऐसा हो सकता है। अब कई बार ये कंफ्यूजन रह जाते हैं कि माइनस वाला साइन कैसे हुआ है, तो मैंने बेसिकली क्या किया, यहां से एक H प्लस निकाल दिया, तो अगर कोई भी प्लस वाली चीज अलग हुई है किसी मॉलिक्यूल से तो वो माइनस छोड़ के जाएगी, ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही प्लस माइनस कंबाइन होंगे वापस से, अगर आप H प्लस को और HCO3 माइनस को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, H2CO3, मतलब प्लस माइनस कंबाइन होकर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसी वजह से अगर कोई प्लस वाला निकल रहा है तो आपको ध्यान रखना है, प्लस वाली चीज कोई गई है बाहर तो साथ में क्या होगा, माइनस साइन छोड़ के जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस साइन ही ऑलरेडी है, वापस से आपने H प्लस निकलवा दिया यहाँ पे तो क्या होगा, एक और माइनस साइन आएगा, दो माइनस मिलकर आया है 2 माइनस। तो अब जो क्या होगा, जो एसिड है हमारे पास CO2, इसलिए हम बोलते हैं कि जो CO2 होती है वो एसिडिक होती है नेचर में,
तो क्या होगा, जैसे इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा, वहां से हमें H+ मिल जाएगा। तो यही तो होती है डेफिनेशन अरहेनियस एसिड्स की, ऐसे एसिड जो वाटर में डिसोल्व होने के बाद H+ देते हैं उन्हीं को हम बोलेंगे अरहेनियस एसिड्स। तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया। ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो SO2 का, SO2 प्लस वाटर, जितनी भी मैंने लिखी है सबसे कोई ना कोई एसिड बनेगी। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा H2SO3 या फिर नहीं लेते SO3 लेते, क्या हो जाएगा H2SO4। यहां से भी क्या होगा, H+ आ सकता है, HSO4- आ सकता है, उसके बाद एक और H+ निकाल दो SO4 2-, जैसे कि ऊपर क्या है वैसे ही। और हम कर सकते हैं N2O5, इसके लिए क्या बनेगा यहां से हमारे पास HNO3। आप बैलेंस कर लेना किस तरह से बैलेंस होगा, या फिर मैं कर देती हूँ 2। तो ये हो गया HNO3 बन गया। यहां से हमारे पास नेक्स्ट में क्या है H+ प्लस NO3 माइनस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है बैलेंस हो गया। तो इस तरह से जो ये वाले जो मोलिक्यूल्स है हमारे पास, मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, वो क्या है एसिडिक की नेचर। और एज पर अरहेनियस कॉन्सेप्ट CO2 को हम क्या बोलेंगे, CO2 is an arrhenius acid, ऐसे ही ये भी क्या है arrhenius acid। तो आपको ध्यान रखना है पेपर में आपसे HCl-NaOH कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ लेंगे। अब अगर आपसे पूछ लें कि SO3 किस तरह की एसिड है, तो आपको पता होना चाहिए कि arrhenius कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको वाटर में डिजोल्व करवाना होता है, क्योंकि हमेशा सिस्टम जो होगा वो एक्वस सिस्टम ही होगा, आपको वाटर में ही डिजोल्व करवाना है। तो आप लिख के देखेंगे वाटर के साथ, अगर ये एसिड बन रही है साथ में H+ दे देगी तो बस हो गई arrhenius acid, ठीक है इस तरह से करना है। तो आपको ये कर ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे क्या है अरहेनियस एसिड्स हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स का मतलब मेटल्स जो ऑक्सीजन का कंबाइन होकर जो ऑक्साइड्स बनाएंगे वो होंगे, मतलब मेटल्स प्लस ऑक्सीजन से जो भी कंपाउंड हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। तो इस वाले टाइम पे जैसे अल्कली मेटल्स हैं या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो सारे क्या है हमारे पास मेटल है, ऑक्सीजन जैसे कंबाइन करें तो क्या बनेंगे मेटेलिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO या फिर Na2O। तो ये भी क्या है, ये है अरहेनियस बेसिस। कैसे पता चलेगा आपको, हम क्या करेंगे इसको वॉटर में एड करेंगे, कर दिया क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस, ये बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा Ca2+ 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 2OH-, ठीक है समझ में आया। इस तरह से करते हैं जो हमारे पास ये क्या है अरहेनियस बेस है, क्योंकि जैसे ही हमने कैल्शियम, चाहे हम ये कह सकते हैं कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वॉटर में ऐड किया, वहां से हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन गया, बट हमें क्या मिल रहा है ओवरऑल, मतलब फाइनल जो हमें मिल रहा है वो तो OH- मिल रहे हैं, और जो OH- देते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास अरहेनियस बेसिस। इसी तरह से आप कर सकते हो Na2O के साथ क्या बनेगा NaOH, और NaOH आपको पता है ये बेसिक होता है, यहां से क्या मिलेगा हमें Na+ OH-, ठीक है इस तरह से करते हैं ये सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन हम ये ले सकते हैं कि जैसे अमोनिया होता है फॉर एग्जांपल, मतलब जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं इस तरह के, उसमें साथ में हमने वॉटर ऐड कर दिया, तो यहां से क्या होता है यहां से बन जाता है हमारे पास, क्योंकि देखो वो अगर हम अमोनिया ऐड कर रहे हैं वॉटर में, तो आप ये देखो अमोनिया जो होता है और वॉटर जो है, अगर आप इनका एसिड बेस का आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता है कि H+ अमोनिया इतना जल्दी नहीं देगा जितना कि वॉटर देगा। चलो एक्सप्लेन करती हूँ। अगर सपोज करिए CH4 ऐसा होता है ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इस तरह से होता है, तो मैं इनके हाइड्राइड्स बना रही हूँ, कार्बन के हाइड्राइड CH4, ये अमोनिया, यहां से वॉटर बन गया और यहां से बन गया HF। इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है कैसे देखेंगे आप, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास है HF3A3। इसी तरह से कैसे देखेंगे, जिस भी एलिमेंट से अटैच होता है हाइड्रोजन, H जिस भी एलिमेंट से अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे देखो फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो क्या करेगा, जो ये वाला बॉन्ड है इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी साइड फुल करेगा, जैसे अपनी साइड फुल करेगा तो ये H+ इसीलिए निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे एसिड और बेस में कॉन्सेप्ट क्या होता है, जनरली जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में भी या वैसे भी,
वो होता है कि H प्लस को लिबरेट करवाना होता है। H प्लस कैसे जाएगा बाहर, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी। कोई भी ऐसा एडजेसेंट एटम या एलिमेंट जो H के जो इतने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी साइड पुल करेगा, वो इजिली H प्लस दे देगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन से नहीं बचे, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बचे तो H प्लस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर अमोनिया, फिर कार्बन। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर वॉटर, फिर अमोनिया। तो यहां से हम देख रहे हैं कि वॉटर जो है वो ज्यादा एसिडिक है इन कंपेरिजन टू अमोनिया। तो अब क्या होगा, जो वॉटर है मतलब वो H प्लस इससे ज्यादा जल्दी देगा। मतलब अगर हम एसिड की टर्म में बात करें तो जो वॉटर है वो ज्यादा एसिडिक है इन कंपेरिजन टू अमोनिया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि H प्लस देगा वो OH माइनस ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, अमोनिया के पास लोन पेयर्स है तो वो इस H प्लस को ले सकता है, तो क्या बन जाएगा NH4 प्लस और साथ में क्या बचेगा OH माइनस। अब क्योंकि दोनों आयन ही हैं तो कंबाइन कर लेंगे, कंबाइन कर सकते हैं ना, कंबाइन करके हम लिख देते हैं NH4 OH और फिर से डिसोसिएट जब ये होंगे तो क्या होगा OH माइनस तो आ ही गया है, इसी वजह से क्या है अर्हेनियस बेस। इस तरह से हम देखते तो ऐसे वाले कंपाउंड भी अर्हेनियस बेसिस होते हैं। ऐसा ही सिमिलर टू दिस वन हमारे पास होता है हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला NH2 इस तरह से। अच्छा मुझे एक और बात बतानी थी कि एक तो मैंने ये लिखा है NH4 प्लस, एक ये है NH4 प्लस, आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है। अगर हम केमिस्ट्री की टर्म्स में देखते हैं तो ये वाला सही नहीं है, मतलब अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन गलत है ये, क्योंकि देखो आपको पता है नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं H प्लस को, और यहाँ पे H आ गया है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन नहीं आएगा, तो आपको जो प्लस है वो आइडियली यहाँ पर लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जो ये वाला है इसमें हमने जैसे ही वॉटर में डाला इसको हाइड्रोजन को, तो क्या होगा फिर से वही होगा, यहां से H प्लस, यहां से OH माइनस, क्योंकि अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। H यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच है और H यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड मतलब पुल करेगा तो H प्लस इजिली निकल जाएगा। अब इस H प्लस को ले लेंगे इनमें से कोई एक नाइट्रोजन, तो हमारे पास क्या बनेगा, N कितने हैं दो, H कितने हैं चार, पहले से एक और आ गया एन टू एच फाइव प्लस और साथ में ये OH माइनस, मतलब OH माइनस तो फ्री ही है ना, तो इस तरह से ये भी क्या है हमारे पास अर्हेनियस बेस। तो ये आपका जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, अर्हेनियस एसिड और बेस हमारा खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, बस आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स अगर कहीं भी मिले तो कर लेना, अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं इसके बाद ब्रोंस्टेड एसिड्स एंड बेस, हमने पढ़ा है ये भी जूनियर क्लासेस में, क्या होती है ब्रोंस्टेड एसिड्स, ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड्स, एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। इसके क्या होती है डेफिनेशन, कि जो ब्रोंस्टेड एसिड्स होंगी वो क्या होती है एक्चुअल में, वो करेंगी H प्लस लीव, मतलब H प्लस देंगी वो, और जो बेसिस होते हैं वो H प्लस एक्सेप्ट करेंगे। ये है H प्लस एक्सेप्टर, जो भी मोलिक्यूल H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो हमारा होगा ब्रोंस्टेड बेस, और जो डोनेट करेगा H प्लस डोनर जो भी होगा वो हमारे पास होगी ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यूरिया मैंने ले लिया एज एग्जाम्पल, तो यहां पे अब क्या होगा, अगर मैं यहां पर अभी इतना रखता हूं, अगर मैंने यहां पे H प्लस एड कर दिया सपोज, इतना क्लियर हुआ ना, एसिड्स वो होंगी जो H प्लस को डोनेट करेंगी और बेसिस वो होंगे जो H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे एज पर ब्रोंस्टेड। तो क्या होगा, जैसे ही मैंने इसमें H प्लस एड कर दिया है, यहां पे H प्लस एड किया, तो आपको पता है जो ये वाले लोन पेयर्स हैं यहाँ पर है वो H प्लस को अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन एक और बात है कि ये लोन पेयर्स यहाँ पे कॉन्जुगेशन में भी जा रहे हैं, है ना, इतना ज्यादा एसिडिक तो नहीं है ये कंपाउंड, बट स्टिल एक टाइम पे तो एक ही जाएगा, या तो ये वाला NH2 के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉन्जुगेशन में या फिर इस वाले N के जाएंगे, तो उस टाइम पे एक तो फ्री ही रहेगा, तो इसी वजह से क्या होगा, क्या बन गया हमारे पास, इसे सपोज करो हमने लोन पेयर्स इसको दे दिए ऐसे करके NH2
अगर दिए हैं तो यहाँ पे H3 हो जाएंगे, टू ऑलरेडी है, एक यहां से आ गया, थ्री हो गए, इनके पास क्या आया प्लस सन। तो इसने बेसिकली किया क्या है, इसने किया ये है H+ को एक्सेप्ट कर लिया है, और जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं बेसिस। तो ये क्या है बेस, ब्रोंस्टेड बेस। अब ये हो सकता है जो ये वाला कंपाउंड है ये H+ को वापस दे भी सकता है ना, अगर मैं इसको किसी ऐसे उसमें डाल दू, सपोज अगर यहाँ पे मैंने अमोनिया ही बना दिया, लेट्स से अमोनिया इसको डिसॉल्व कर दिया, सर एग्जाम्पल के लिए बोल रहे कि अमोनिया में इसको डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा, ये अपना H+ इजिली इसको दे देगा, है ना। तो मतलब ये वाला कंपाउंड H+ दे भी सकता है, अगर ये H+ देगा तो क्या होगा, वापस से यही बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या है H+ एड हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ H+ माइनस हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड क्या है बेस है, ब्रोमस्टेड बेस, और ये क्या है ब्रोमस्टेड एसिड, ठीक है। आपको मुझे लग रहा है कि आपको पता ही होगा एक टर्म होती है कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, वो अगर आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो यहाँ पे जैसे एच सी एल है, हम क्या करते हैं इसको एच प्लस प्लस सी एल माइनस लिखते हैं, है ना, यही करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे पास एसिड है, एसिड क्यों है क्योंकि इसने एच प्लस लूज कर दिया है इसलिए ये एसिड है, और ये क्या है सी एल माइनस, ये मतलब एच प्लस को ले सकती है, तो ये क्या है बेस। लेकिन हम क्या करते हैं इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, ये है कॉन्जुगेट बेस और ये है इसकी कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं जैसे एसिड ने अपना H+ दे दिया सी एल माइनस बचा, तो क्योंकि दिया है तो इसलिए एसिड है, अब ये क्या कर सकता है ये H+ ले सकता है इसलिए ये बेस है, बट ये टर्म में आ जाते हैं कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। मतलब HCl का जो कॉन्जुगेट बेस है, तो जहां पे भी आपको ये टर्म लिखी हुई मिले कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब है जो भी आपको दिया हुआ है मॉलिक्यूल उसका H+ हटा दो वहां से, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये क्या है आपकी एसिड है, इसका जब आप H+ हटा दोगे तो क्या बनेगा सीएल माइनस, वो क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको सपोज करो सीएल माइनस ही दे दिया है या फिर दे दिया है HSO4 टू माइनस, जैसे इस तरह से दिया हुआ है और क्वेश्चन में कुछ बात हो रही है इसकी कॉन्जुगेट एसिड की, तो आप समझ जाओ आपको यहाँ पे H लगाना है, ये है मतलब एसिड है, आपको इसकी कॉन्जुगेट एसिड बनानी है ना। अगर आपको SO4 टू माइनस दिया हुआ है और आपको क्या करना है, अभी जो क्वेश्चन है उसमें कुछ बात हो रही है कॉन्जुगेट एसिड की, तो आप समझ जाओ आपको इसकी कॉन्जुगेट एसिड बनानी है, वो कैसे बनेगी जब यहाँ पे H आएंगे, टू माइनस है मतलब दो H आएंगे SO H2SO4, ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है कॉन्जुगेट बेस। इस तरह से हमें करना होता है, उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, चलो ये तो काफी है ना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अब आप मुझे खुद सोच के बताना, एक हमारे पास है अरहेनियस एसिड, मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अरहेनियस एसिड, और एक है ब्रोस्टेड एसिड। अरहेनियस एसिड क्या ब्रोस्टेड एसिड भी होगी, मतलब ऐसी कोई एसिड जो कि अरहेनियस एसिड है क्या वो ब्रोस्टेड एसिड भी होगी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अरहेनियस के अकॉर्डिंग भी क्या है एसिड्स वो होती है जो H+ अपना डोनेट कर देती है, और ब्रोस्टेड के अकॉर्डिंग भी क्या है एसिड्स वो होती है जो H+ डोनेट कर देती है। मतलब एवरी अरहेनियस एसिड इज ब्रोस्टेड एसिड, ये बिल्कुल सही है ना। उसके बाद बात आती है अरहेनियस बेस, यहाँ पे ब्रोस्टेड बेस। तो यहाँ पे देखो क्या हर कोई अरहेनियस बेस ब्रोस्टेड बेस होगा, सोच के देखो यहाँ पे क्या होता है अरहेनियस बेस वो होते हैं जो ओ एच माइनस देते हैं, और ये वो होते हैं जो एच प्लस को ले लेते हैं, एच प्लस को मतलब एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या कहेंगे एवरी अरहेनियस बेस इज नॉट ब्रोस्टेड बेस। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है NaOH, जो NaOH है वो बेस तो है लेकिन किस तरह का है अरहेनियस बेस है, क्योंकि वो क्या कर रहा है OH माइनस दे सकता है लेकिन H+ एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए क्या है ब्रोमस्टेड बेस नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि एवरी अरहेनियस बेस इज नॉट ब्रोमस्टेड बेस, ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत आपको बतानी है, चूज करना आ सकता है। आप ध्यान रखेंगे हर कोई अरहेनियस एसिड ब्रोमस्टेड एसिड होती है लेकिन सारे अरहेनियस बेस ब्रोमस्टेड बेस नहीं होते हैं, ठीक है, बस मुझे यही बताना था। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये हमारा बेसिक तो क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप चाहो तो मैं ये बात दी लुईस एसिड लुईस बेस एसिड बेस, इनमें क्या होता है ये होते हैं जो अपने
लोन पेयर्स को डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनर। और ये क्या होती है, ये होती है लोन पेयर एक्सेप्टर। ये तो हम बहुत ज्यादा हमें बहुत बार देखने को मिलता है ऑर्गेनिक में भी स्पेशली। तो लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया क्या करता है, अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर देता है, इसलिए क्या है लुईस बेस। ये क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। अब कोई भी चीज अगर लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर रही है, इसका क्या मतलब है, उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन से कमी है या फिर उसके पास डी ऑर्बिटल या फिर मतलब कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी है उसके पास, उस वाले केसेस में क्या होता है, वो एक्सेप्ट करेगी लोन पेयर। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है या फिर वेकेंट कोई ऑर्बिटल है उसके पास, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, बी एफ थ्री आपको ऑलरेडी पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। नहीं, बी एफ थ्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब एक सेकेंड, बी एफ थ्री आपको पता है इसके पास क्या है, छही है। मतलब जैसे देखो अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ऐसे करके, तो उसे सराउंडिंग में कितने हैं, सराउंडिंग में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट होने कितने चाहिए ऑक्टेट रूल को कम्प्लीट करने के लिए, मिनिमम 8 होने चाहिए। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑलरेडी, बट यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन क्या करता है, अपने लोन पेयर्स को यहाँ पे डोनेट कर देता है इस तरह से। तो अगर हम बीएफसी के बाद अगर हम बात करते हैं बीसीएलसी की, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज कम ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे सीएल डोनेट नहीं कर पाता, बैक डोनेट नहीं कर पाता है, तो इसीलिए जो बीसीएल3 होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू बीएफ3। अगर आप डिटेल में जानना चाहो तो मैं इसको बता सकती हूँ इस तरह से कि जो फ्लोरीन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है, बोरोन के पास भी 2p ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, पर यहाँ पर क्या है 3p में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है 2p में इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं BVR3 की, यहाँ पे BR और यहाँ पर BR, यहाँ पे क्या है 2p में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्या है 4p में इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप क्या करोगे, इसका जो साइज है बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ गया है, तो BR अपने इलेक्ट्रॉन्स इतने यहाँ पे डोनेट नहीं कर पाता है, इसीलिए जो इनका ऑर्डर होता है एसिडिटी का, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है हमारे पास BVR3, उसके बाद BCl3, उसके बाद BF3। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे है 2p ऑर्बिटल्स हैं, ओवरलैप बहुत इजीली होगा, दोनों का सेम साइज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जल्दी इसको है ना, इस तरह से होता है। तो इसकी एसिडिटी डिक्रीज कर जाती है इन कंपेरिजन टू BCl3 एंड BVR3। BCl में फिर भी जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम है, बट यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो गया है, इसलिए और जो होगा Bi3 वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे आई के पास क्या होगा 5p ऑर्बिटल आ जाएगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पाएगा क्योंकि साइज में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ऑर्बिटल का ओवरलैप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जब सेम साइज होगा तभी वो प्रॉपर ओवरलैपिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाते। तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, Bi3। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है पेपर में। तो ये हमारा लुईस एसिड बेस का खत्म हो गया। अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, वो ये कि हमें पता कैसे चलेगा कुछ केसेस में कि कौन से वाले एसिड ज्यादा एसिडिक है। फॉर एग्जाम्पल HNO3, अगर मैं आपसे पूछूं HNO3, H2SO4 और H3PO4, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, या फिर इनको आपको लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, तो आप कैसे पता लगाएंगे। एक ये वाला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है HClO4, HClO3, HClO2, HClO। थर्ड क्वेश्चन है H3PO4, H3PO3, H3PO2। आपको क्या करना है, जो तीनों क्वेश्चन है तीनों में आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। अब ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन दूंगी इसका, कॉन्सेप्ट बताऊंगी किस तरह से देखते हैं, ट्रिक भी बताऊंगी किस तरह से देना है, बट अभी के लिए आप ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, करना क्या है आपको, इनको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, और ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है टेबल, ध्यान रखना। और मुझे लग रहा है कि आप में से जो मेजर पोर्शन होगा वो क्या करने वाले हैं, इनकी निकालने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो दोनों एग्जाम्पल में फिर निकालना और फिर देखना आपको कौन सा आंसर सही होने वाला है और कौन सा गलत। तो ये वाला क्वेश्चन करके रखना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।